सो गाइस कि आपका भी सिम एयरटेल का है और गाइस कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, यहाँ दिखा रहा है नेटवर्क कनेक्शन एरर या जो गेम है वो लोडिंग नहीं हो रहा है आपको दिखा रहा है डाउनलोड फेल्ड नेटवर्क कनेक्शन एरर, तो गाइस आज की वाली वीडियो आपको अंत तक जरूर देखनी चाहिए क्योंकि गाइस ये वाली वीडियो आप लोगों को बहुत ही यूजफुल होने वाला है बिकॉज यहाँ पर बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, काफी बड़ी न्यूज है। और आपके पास जियो का सिम है तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए भी एक वीडियो है, तो गाइस ये वीडियो सारे बंदे जरूर देख लेना क्योंकि गाइस आज की वाली वीडियो में ऐसा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि गाइज आप सभी लोगों बोलोगे क्या ही न्यूज है। और गाइज अगर आप फ्री फायर प्लेयर हो तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी चाहिए। तो गाइज रात से जब मैं अपने दोस्तों के साथ गेम खेलने के लिए कहा तो उनका गेम ओपन नहीं हो रहा था, तो मेरे को लगा कि नेट नहीं चल रहा है इसीलिए ये एरर दिखा रहा है। तो गाइज मैंने सोचा कि नेट नहीं चल रहा है तो मैंने गेम को बंद कर दिया। तो गाइज मैंने सोचा कि फ्री फायर का सर्वर डाउन हो गया होगा तो फिर मैंने बंद कर दिया। फिर मुझे सुबह पता लगा कि जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ एयरटेल वालों के साथ चल रहा है, ऐसा क्यों? फिर मैंने जियो वाले सिम से ट्राई किया तो जियो वाले सिम से खुल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जियो वाले के साथ, वो आराम से गेम खेल रहे हैं। तो गाइस आपको गेम भी ओपन करना हो तो जियो का सिम का जुगाड़ करना होगा या जियो वाले का हॉटस्पॉट कनेक्ट फ्री फायर को ओपन करना, जैसे कि दोस्त या मम्मी पापा बहन भाई जिसका भी सिम है वो उससे कनेक्ट करके अपना फ्री फायर को ओपन कर लेना। और गाइस सिर्फ जियो वाले का ओपन हो रहा है, सिर्फ जियो वाले का, ठीक है। तो गाइस वीडियो आगे देखो, मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। तो गाइस मेरे को जहाँ तक इतना तो कंफर्म हो चुका है कि ये जो गलती वो फ्री फायर की गलती नहीं है, बिकॉज फ्री फायर की गलती होती ना तो किसी भी नेटवर्क से ओपन नहीं होता, बट यहाँ सिर्फ जियो से ऑन हो जा रहा है। और गाइस आपके पास और सिम है एयरटेल को छोड़कर उससे भी ओपन हो जा रहा है बट एयरटेल से ओपन नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों गाइज? मतलब नहीं होना चाहिए, अगर फ्री फायर का सर्वर डाउन होता तो किसी भी नेट से ओपन नहीं होता। और गाइज जो नेट है वो फ्री फायर को मिल नहीं रहा है क्योंकि गाइज एयरटेल वालों की तरफ से रेस्ट्रिक्शन लगाया है। जी हाँ गाइज, आप लोग बिल्कुल सही सुने, एयरटेल ने रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, मतलब गाइज आप लोग समझ सकते हो जो रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं वो सिर्फ एयरटेल लगाया है, मतलब कि गाइज आप लोग समझ सकते हो कि फ्री फायर क्या करना चाहती है। तो गाइज एयरटेल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती, नहीं तो गाइज एयरटेल का कोई ग्लिच या बग होगा जिससे एयरटेल वालों को ठीक करने में टाइम लगने वाला है। तो गाइज अगर अपने गेम को ओपन नहीं किया तो गाइज कहीं से भी जियो का जुगाड़ करके लॉगिन कर लो और जो आइटम क्लेम करना है वो कर लो, नहीं तो गाइज मिस हो गया तो फ्री फायर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि गाइज फ्री फायर का कोई गलती भी नहीं है। और गाइज अगर फ्री फायर की गलती होती एक दो घंटे में ठीक कर देती क्योंकि ये बग है ना वो करीब कल रात से चल रहा है। तो गाइज फ्री फायर का बग होता तो फ्री फायर अभी तक ठीक कर चुका होता बट अभी ठीक नहीं हुआ है। और गाइज ये बग एयरटेल के तरफ से चल रहा है और गाइज एक डर मेरे को ये लग रहा है कि इसमें गवर्नमेंट का हाथ तो नहीं है, कहीं गाइज गवर्नमेंट फ्री फायर को बैन के चक्कर तो नहीं चलने वाला है। और गाइज ऐसा सीन होता है तो गाइज ऐसा हो भी सकता है बिकॉज एयरटेल जैसी बड़ी कंपनी का इतना बग तो नहीं होना चाहिए। तो गाइज अब क्या ही कर सकते हैं, और गाइज ना एयरटेल का वाईफाई काम कर रहा है ना ही डाटा। और गाइज मेरे को पास भी एयरटेल का सिम है, अगर आपके पास जियो का सिम है तो हॉटस्पॉट्स का जुगाड़ करता हूँ और फ्री फायर को ओपन करता हूँ। और गाइज अगर एयरटेल में बैन होगा तो मतलब कि फ्री फायर अगर गवर्नमेंट बैन के लिए टेस्ट करती है तो गाइज ये जो बैन है वो हमारे पूरे इंडिया में लगेगा। और गाइज बैन लगेगा तो एयरटेल हो या जियो बंदा कोई भी ओपन नहीं कर सकता, तो गाइज काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है ये। और गाइज देखो नॉर्मल बग है तो अब तक तो ठीक हो जाना चाहिए बट टाइम लगेगा, नॉर्मल ग्लिच नहीं है। अगर मोदी जी का हाथ होगा तो समझ लो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, तो गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइज आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो गाइज फटाफट से सपोर्ट करो। तो गाइज मिलते हैं किसी मस्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।